हेलो एवरीवन, श्री वेंकटेश्वर आर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका। आज मैं एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने हूं। आज का वीडियो है जामुन से कैसे बनाना है स्क्वैश। मैंने जामुन को अच्छे से धो लिया है, अब उसे हम अच्छे से काट कर लेंगे। कट करना क्या, बहुत सारे लोग हाथ से भी मैश कर सकते हैं, बट ऐसे कट करते तो अच्छा लगता है। मैंने 1 किलो जामुन लिया है और उसके लिए शुगर 1/2 किलो के बराबर ली हूँ, या आप उसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हम बनाकर स्टोर कर लेंगे। जब भी आपको शरबत बना के पीना हो तो आप आराम से पी सकते हैं। देखिए, मैंने इस तरीके से पूरे कट करके सीड्स को अलग कर लिया है और सीड्स जो है उसको भी पानी डालकर थोड़ा सा आप अच्छे से मैश कर दीजिएगा। बस हल्का हल्का से मैंने इसे मैश कर कर छलनी से छान लिया है। अब देखिए, इसका पूरा जो पल्प पूरा निकल गया है। अब ये जो सीड्स है आप इसको सुखा कर रख लीजिए, बहुत काम आता है, उसका आगे बताऊंगी। फिलहाल हम जो भी जामुन का कट किए हैं उसे हम मिक्सी जार में ले लेंगे और उसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मैंने ग्राइंड करके सॉफ्ट पेस्ट बना लिया है, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है, कहीं पे भी उसका छिलका नहीं बचना है। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें 1/2 किलो शक्कर लेंगे। ये जो गाने का आवाज़ है वो विलोहित कैमरामैन का आवाज़ है। मैंने इसमें 1 ग्लास पानी ले लिया है, जो बीज को मैश करके निकाली थी पल्प, और इसको अच्छे से हम चला लेंगे। चाशनी थोड़ा गाढ़ा होने लगे तब तक चला लीजिए। और जामुन का क्या फ़ायदा है, हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, ये तो पता तो होगा ही, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगी। डाइजेशन के लिए तो जामुन बहुत अच्छा होता है, और पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे भी छुटकारा मिलता है। और शुगर पेशेंट जो होते हैं उनके लिए तो जामुन बहुत ही यूज़फुल होता है, और इसके बीज को सुखा कर जो पाउडर बनाते हैं उसको भी लेने से अच्छा होता है। इसके अलावा कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं इसमें जो कैंसर वगैरह से भी बचाव करता है, कहते हैं रोग पथरी होने से भी रोकता है, बट ये साल में 1 ही बार जामुन मिल पाता है अपने सीज़न के टाइम ही। सो जब भी इसका सीज़न रहता है तो उसको ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा, खाने का कोशिश करिएगा। अब देखिए चाशनी अच्छे से पक गया है। अब मैंने इसमें जो जामुन का पेस्ट बनाया है उसको मिला लिया है। अब इसे बहुत अच्छे से हम चला लेंगे, बस बहुत गाढ़ा हो जाए तब तक चलाते रहिए, क्योंकि हमें ये स्टोर करना है। जो सीज़न नहीं रहेगा तब भी इस जूस को आप एंजॉय कर सकते हो। इसके लिए मैंने थिक पेस्ट जैसा बना के रखा है, चाशनी जैसा। इसको थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का टाइम लगा मुझे। अगर और थोड़ा सा कम क्वांटिटी होगा तो जल्दी हो जाएगा, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी लिया तो टाइम ज़्यादा लग गया मुझे। बस इस तरीके से गाढ़ा होने तक पकाना है। ये ख़राब नहीं होता है, और घर पे बना के रखते हैं तो इसमें कोई केमिकल भी मैंने नहीं डाला है, तो यूज़फुल तो है ही, हेल्दी भी है। मार्केट का लेते हैं और बहुत कम जामुन वाला अच्छे से तो मिल नहीं पाता है, मैं जहाँ तक जानती हूँ बहुत कम ही मिलता है। आप इस तरीके से घर पर बना कर रखिए, एकदम टेस्टी शरबत बना कर पीजिए। बस एक तार वाला चाशनी जैसा बन गया है तो मैंने इसे बंद कर लिया। अब ये ठंडा होने के बाद काला नमक डाला मैंने, और टेस्ट के अनुसार काला नमक डाल सकते हैं। मैंने 2 बड़े चम्मच डाला मैंने, क्योंकि 1 किलो का पल्प था। 2 बड़े नींबू का जूस लिया है, उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें हमें डालना है जीरा पाउडर। अगर आपके पास चाट पाउडर अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट मैं सब चीज़ें अलग अलग मिलाकर डाली हूँ। जीरा पाउडर, जो भुना हुआ जीरा था उसका पाउडर बना लिया मैंने। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है।
ऐसा थिक वॉल्यूम होना चाहिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी लग रहा है ना होली का कोई कलर बना है। अब ये अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसे एक जार में लेकर भर दूँगी। देखिए ये जार को फ्रिज में आप रख सकते हैं या फिर एयर टाइट बॉटल में भी आप रख सकते हैं, जो ख़राब तो नहीं होगा और जब आपको यूज़ करना है आराम से कर सकते हैं। ये एक लीटर जामुन से इतना सारा थिक पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब मैंने ग्लासेस ले लिया है, 2 से 3 चम्मच मैंने लिया है। इसमें आप अपना ग्लास का साइज़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये छोटे ग्लास हैं, इस ग्लास के हिसाब से 2 चम्मच बहुत हैं। खाने पीने की चीज़ें भी डिपेंड करता है, ट्रांसपेरेंट वाले चीज़ों में सामान में डालो तो बहुत कलरफुल लगता है। देख रहे हैं आप कितना सुंदर कलर है। अब मैं ग्लास के ऊपर नींबू का रस लगा रही हूँ और दोनों ग्लास में मैंने लगा दिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आप चिल्ड वाटर ले सकते हैं बट अभी ज़्यादा चिल्ड नहीं चाहिए, तो मैंने सादा पानी लिया है और 2 आइस क्यूब्स ऐड किया मैंने। वो डिपेंड करता है आपको कितना ठंडा पीना है, वो आपका चॉइस है। अब जब मैंने शुगर नींबू तो लगा दिया था और जामुन के साथ डेकोरेट भी कर दिया है ट्रे को, अब ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ शुगर पाउडर। एक्चुअली लेमन और सॉल्ट लगाते हैं तो वो पीने में मज़ा नहीं आता, मुझे वो टेस्ट नहीं पसंद है, इसलिए मैंने वैसा नहीं किया है। मुझे ऐसा बहुत पसंद है क्योंकि ये पीते समय साइड्स में खट्टा और मीठा टेस्ट भी आता है, बहुत टेस्टी रहता है। देखिए जूस बनकर रेडी हो गया है, आप एंजॉय करिए और लोगों को पिलाइए, इस समर का मज़ा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।